सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पाचे गाय। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में दो क्रूजर बाइक्स लेके आया हूं आपके लिए, उनके बीच का कंपेयर लेके आया हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक प्रेफर करनी चाहिए। और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग ब्रांड्स हैं। एक जो है काफ़ी पुरानी ब्रांड, अगर बात की जाए तो हैवी सीसी इंजन्स में, और एक है जो अपनी लेटेस्टली पार्टनरशिप की है किसी बाइक कंपनी से, जिसके बाद उन्होंने ये बाइक को लॉन्च किया है। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहली बाइक रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की, और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ हीरो की हार्ली 440 एक्स के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में जो है आपको पूरा कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा, स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे, प्राइस देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि प्राइस में आपको दोनों में स्लाइट डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा गाइस, डेफिनेटली, क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों है, आपको क्या एक बाइक में देखने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, क्या एक बाइक में कम देखने के लिए मिल रहा है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, सबसे पहले बात की जाए रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की, तो गाइस इसके पहले स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो गाइस, ये जो बाइक है 349.3 सीसी के सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 20.4 पीएस का और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 27 न्यूटन मीटर का। इस बाइक में आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। बात की जाए अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि माइलेज आपको प्रोवाइड कर देगी 36 kmpl का। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में डिस्क ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गाइस। बात की जाए अगर फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस देखने के लिए मिल जाता है, आपको इसमें एलईडी टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें जो हेडलैम्प्स हैं और आपको इसमें टर्न सिग्नल्स हैं वो आपको हैलोजन देखने के लिए मिलेंगे। बात की जाए अगर क्लस्टर की, तो क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल देखने के लिए मिलेगा, मतलब जो इसमें आपको ओडोमीटर है और टैकोमीटर है वो आपको डिजिटल देखने के लिए मिलेगा, बट जो स्पीडोमीटर है वो आपको इसमें एनालॉग देखने के लिए मिलेगा। बात की जाए अगर इसमें नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको नेविगेशन का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है गाइस। बात की जाए प्राइसिंग की, तो ये बाइक जो है आपको 1,75,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। ये जो है इसका बेस मॉडल का प्राइस जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको अलॉयज देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी बाइक की तरफ। सो गाइस, अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च हीरो हार्ली 440 एक्स के बारे में। तो गाइस, ये बाइक जो है 440 सीसी के सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल इंजन के साथ आती है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 27.3 पीएस का और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 38 न्यूटन मीटर का। इस बाइक में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में डिस्क ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गाइस। बात की जाए अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इस बाइक में आपको 13.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको माइलेज प्रोवाइड कर देती है 35 kmpl का। ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो इसका माइलेज और आपको रॉयल एनफील्ड हंटर का माइलेज दोनों का सेम ही देखने के लिए मिलेगा गाइस। बात की जाए अगर फीचर्स की, तो आपको इसमें डुअल चैनल स्विचेबल एबीएस देखने के लिए मिल जाता है। बात की जाए अगर इसके सेकंड फीचर की, तो इसमें आपको फुल्ली एलईडी सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि आपको इसमें फुल्ली एलईडी हेडलैम्प्स, फुल्ली एलईडी टेल लैम्प्स, फुल्ली एलईडी टर्न सिग्नल्स देखने के लिए मिलेंगे। बात की जाए अगर क्लस्टर की, जिसमें आपको फुल्ली डिजिटल क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा गाइस, जिसमें कि आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर जैसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो भी फुल्ली डिजिटल में। बात की जाए अगर नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको नेविगेशन देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, और अगर इसमें कुछ एड ऑन्स किए जाएँ, तो इसमें आपको गाइस ब्लूटूथ भी देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आप इस बाइक को जो है फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो आपको डिस्प्ले है उसमें आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। अब गाइस, बात आती है कि इस बाइक का प्राइसिंग कितना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस बाइक का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 2,40,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो गाइस, ये तो हो गया दोनों बाइकों की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और प्राइसिंग। सो गाइस, अब आता है सबसे मेन पॉइंट कि आपको इन दोनों बाइक्स में आखिर परचेस कौन सी करनी चाहिए। अगर आपको कोई एक बाइक प्रेफर करनी है इनमें से, तो आप कौन सी बाइक प्रेफर करेंगे? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं माइलेज से रिलेटेड, अगर माइलेज की बात की जाए गाइस, तो दोनों बाइक का माइलेज ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंडरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ पावर फिगर्स की, तो रॉयल इनफील्ड का जो पावर फिगर है गाइस, वो एज़ कम्पेयर टू हार्ली डेविडसन वो कम आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आपको हंटर में आपको 20 पीएस की पावर देखने के लिए मिल रही थी, और हार्ले में आपको 27 पीएस की पावर देखने के लिए मिल रही है। तो पावर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बात की जाए अगर इसके प्राइसिंग की, तो गाइस प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे बेस मॉडल की बात कर लें हार्ले 440X की, तो आपको 2,40,000 एक्स शोरूम में देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर मैं वहीं हंटर 350 के बेस मॉडल की बात करूं, तो आपको 1,75,000 एक्स शोरूम में मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट गाइस 55,000 के आसपास आपको जिसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है प्राइसिंग में। बट इसी में आपको काफ़ी चीज़ें एडवांस मिल जाएंगी हार्ले में, लाइक आपको देखने के लिए मिल जाएगा फुल्ली एलईडी सेटअप, आपको इसमें फुल्ली डिजिटल क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इसमें स्विचेबल एबीएस देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इसमें ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा जो फीचर
कलर्स हैं वो आपको हार्ले में देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइज अगर आपका बजट कम है, आप बजट को नहीं बढ़ा सकते हैं अपने, या फिर बजट को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जो है हंटर को चूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बेस्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आपको जो है बजट प्रॉब्लम नहीं है उतनी, तो आप बिल्कुल हार्ले की तरफ जा सकते हैं गाइज, क्योंकि एक ट्रस्टेड ब्रांड है, वो भी एक ऐसे ट्रस्टेड ब्रांड की हेल्प्स इंडिया में लॉन्च हो रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से इंडिया में ऑलरेडी मार्क्ड है गाइज, जो कि मैं बात कर रहा हूँ हीरो की, क्योंकि आपको पता ही है कि हार्ले डेविडसन जो है हीरो के साथ उन्होंने कोलैब करके इस बाइक को इंडिया में लॉन्च किया है। तो गाइज दोनों बाइक्स जो है वो परफेक्ट है। अगर आपका बजट कम है तो आप हंटर की तरफ जाए, बट अगर आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं तो आप हार्ले 440X की तरफ जा सकते हैं गाइज। तो गाइज होप करता हूँ कि आपको जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो है अब आपको बाइक परचेस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज होप करता हूँ कि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई गाइज तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। कोई छोरी ना छेड़े, मुका ढोर बना दूंगा, बचेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूरत थी, गलत नहीं होने देना, सिखावे मेरे गांव के खेड़े।